low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. Assalamu alaikum everyone, I hope you guys are doing really well and great in your life. So, aaj main kahin ja rahi hoon abhi aur aise hi mera dil chal raha tha kyunki pichle kuch kaafi dino se jo hai main bahut zyada sad feel kar rahi thi aur main apni family ko bahut zyada miss kar rahi thi, apne parents ko bahut zyada miss kar rahi thi and like past few days have been really tough for me if that makes sense. तो फिर जिस वजह से आई वॉज लाइक सो डाउन एंड यू नो फीलिंग सो लो, तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो यार मैंने हिम्मत जो है वो जमा की और मैंने कहा कि थोड़ा सा बाहर निकलती हूँ और थोड़ा सा यू नो अच्छा लगेगा मुझे और इंजॉय करती हूँ मैं थोड़ा सा और अपने आप के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो खैर तो बस मैंने कहा कि चलो सिटी सेंटर का चक्कर लगा के आती हूँ मैं और अभी कोई ऑलमोस्ट 3 बजे का टाइम है. तो मैंने कहा कि नहीं यार 3 o'clock ठीक है फाइन, 4 बजे वैसे भी अंधेरा हो जाता है तो 1.5 घंटा मैं बाहर थोड़ा सा इंजॉय करूँगी और फिर मैं वापस आ जाऊँगी घर पे. तो ये आज का प्लान है. नाश्ता कुछ भी नहीं किया था और तो बस ये कि मैंने थोड़ा सा अपने लिए कुछ 3 स्नैक्स वो तैयार किए और साथ में थोड़े से फ्राइज़ मैंने बना लिए थे और तो फिर मैंने वो इन्जॉय किया और फिर मैं घर से बाहर आ गई. मैंने कहा नहीं यार आई हैव टू गो आउट, इट डजेंट मैटर कितनी भी टाइम के लिए, बट आई हैव टू गो आउट और थोड़ा सा मैं बाहर निकलूँ, थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँ और थोड़ा सा चिल करूँ यू नो इवन फॉर अ लिटिल बिट. ठीक है तो आपको भी लेकर चलूँगी साथ में और दिखाऊँगी वहाँ पर सिटी सेंटर. और आजकल जो है ना क्रिसमस की वजह से काफ़ी वहाँ पर जो है रश है, बहुत क्राउड है और बहुत ज़्यादा जो है ना वहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं डिफरेंट चीज़ों के, मज़े मज़े की चीज़ें हैं, बट यू नो लाइक खाने के लिए तो खैर वी कांट गो फॉर दैट बिकॉज ऑब्वियसली हलाल का इशू होता है और कंटेमिनेशन का भी इशू होता है, तो इट्स बेटर दैट वी शुड अवॉइड. ठीक है आज जो है ना सन बिल्कुल भी नहीं निकला हुआ और इतना ज़्यादा क्लाउड्स हैं और बहुत ही ज़्यादा जो है ना ग्लूमी सा वेदर है, बट आई जस्ट यू नो लाइक प्रिपेयर्ड माई सेल्फ एंड गैदर्ड माई सेल्फ एंड आई वॉज लाइक आई शुड हैव टू गो आउट इन एनी केस. तो बस ये उसी लिहाज से फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन की और अपना अम्ब्रेला अपने साथ रखा है इन केस आई नीड दैट और बाकी आपको वेदर दिखाते हैं. इतना प्यारा लग रहा है आसमान, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मतलब लोकल मार्केट्स के मतलब यहाँ पर डिफरेंट जो है वो क्लोथ होते हैं, विंटेज ज्वेलरी है. ये वाली ना शॉप मुझे बहुत पसंद आई थी लास्ट टाइम मैंने देखी थी, यहाँ पे इतने क्यूट क्यूट से बॉल्स रखे हुए हैं. हेलो या आई नो फ्रॉम टर्किश नो इतने क्यूट स्टफ है ना ये, इसको आप सेंटर पीस को भी वैसे रख सकते हैं बट जल्दबाजी. बहुत मज़े मज़े का स्टफ है यार ना कैपिटल सर्कस को. ये है ये यहाँ पे सारे ब्रांड्स आपको मिलते हैं, पे शॉप दिखेंगी ऑफर्स. आई गो टू ज़ारा चेकआउट करते हैं कुछ स्टफ, लेट्स सी. पूरा जो है ना इनका वो है, आई फाउंड सच अ क्यूट बैग, काफ़ी स्पेशियस और इतना सॉफ्ट है, लेकिन ये कि इसका ये चेन शायद टूटा हुआ है या निकला हुआ है. इतनी कोई चीज़ें नज़र नहीं आई हैं कि जिसके लिए ना मतलब बंदा कहे कि ओहो ये तो बहुत कोई अच्छी चीज़ है और मैं फटाफट से ले लूं, बट ये कि मतलब सही है, मतलब मुझे कोई ख़ास कोई मज़ा नहीं आया. नो वे ना क्यूट स्वेटर है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना क्यूट सा है और इसके ऊपर ना शिमर सा लगा हुआ है, आई थिंक बहुत शिमरी शिमरी सा लुक है, मतलब स्टाइल अच्छा है. एक ये भी है इसके, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, बट ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा बैगी स्टाइल है इसका.
इसमें ना वीडियो में शायद सिल्वर सा नजर आ रहा है, बट ये है हल्का सा डल गोल्ड इसका कलर है, इसके ऊपर शिमर है, बट बहुत प्यारा लग रहा है लाइट में ऐसे दिख रहा है। मुझे ना ये बैग पसंद आ रहा है एंड फ्रंट लुक ऐसी है, ठीक है, इस तरह से दिखता है ये वैसे। और ये बैग ना बहुत सारी गर्ल्स को मैंने यूज़ करते हुए देखा है एंड बट मुझे समझ नहीं आ रहा शुड आई टेक इट और नॉट। खैर आप कमेंट बॉक्स में बताएगा, ठीक है, तो मसला नहीं है, मैं बाद में ले लूँगी, इट्स ओके। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत कूल लग रहा है, बट इसमें एक मसला है, और वो मसला ये है कि मुझे थोड़ा सा लेंथ वाइज चाहिए, क्योंकि ये जो क्रॉप होते हैं ना इसके अंदर से फिर नीचे से हवा जाती है, और जिस लिहाज से यहाँ पे सर्दी पड़ती है तो उस लिहाज से तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, और लॉन्गर होगा अगर यहाँ पर होगा, यहाँ तक होगा, तो फिर उससे ये कि आप ज़्यादा कोल्ड से बच जाते हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पर थाइज़ भी कवर हो जाती है। नहीं कि मैं आपको फुल लुक दिखा दूँ, नहीं मैंने आपको फुल लुक नहीं दिखाई थी, तो दिस इज़ माई फुल लुक, अपनी ड्रेसिंग भी दिखा देते हैं, ठीक है। और यहाँ से मुझे कोई ख़ास इतनी अच्छी चीज़ें लगी नहीं है, तो अभी हम कहीं और चलते हैं और कहीं और पे देखते हैं, तो H&M देख लेते हैं वहाँ पर, और तो देखते हैं। खैर वैसे मुझसे को बहुत पसंद है H&M, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता था H&M से ही, और उसको बहुत क्यूट स्टफ लगता है वहाँ का, तो चले वहाँ पर जाके देखते हैं। तो दिस इज़ H&M, ये मैंने ना अभी एक शूज़ ट्राई किए हैं, इस तरह से दिख रहे हैं, मतलब पहन के तो बहुत सूट कर रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं, क्लासी लुक आ रहा है, बट ये कि जब मैंने थोड़ा सा इसको वॉक करके देखा है तो इनमें तो ऑब्वियसली दे आर नॉट कंफर्टेबल इनफ, यू नो खिंच रही है, और आगे से भी थोड़ा सा पाँव जो है ना ये दब रहा है पीछे से, यहाँ से मुझे थोड़ी सॉफ्ट वाले चाहिए, मुझे आगे से थोड़ा सा पॉइंटी शूज चाहिए थे, एंड वही लुक है सेम टू सेम, और बट कमेंट में बताएं क्या किया जाए, शुड आई टेक इट और शुड आई नो। जब मैंने जूते जितने भी देखे ना यहाँ पे अभी तक H&M और ज़ारा पे, तो दिखने में बहुत लुक वाइज बहुत अच्छे हैं, बट ये कि ऑब्वियसली आप पहन कर चेक करते हो तो आपके पाँव का कंफर्टेबल लेवल जो है ना वो बहुत मैटर करता है, भले वो महंगा हो और या सस्ता हो, ठीक है, और जूता जो है अगर जितना महंगा हो और जितना कंफर्टेबल हो मेरा ख्याल है उतना ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए जो है ना मैंने वो अपना प्लान जो है वो ड्रॉप कर दिया, तो ये कि आई एम नॉट गेटिंग इट। अच्छा मैंने कहा कि ये मुझे जो है ना पसंद तो आए थे, लेकिन अब इसने साइज नहीं है मेरा, ठीक है, और पाँव बहुत ज़्यादा दब रहा है, तो मैं छोटा जूता ले नहीं सकती हूँ, और 39 अगर होता तो इट वुड हैव फिट मी परफेक्टली, और इसके यहाँ पे जिप लगी हुई है तो इजी रहता है, जिप से ना जूता पहनना और उतारना बहुत ईजी हो जाता है, और ओवरऑल लुक वाइज तो बहुत फिट है बहुत ही ज़्यादा, बट ये कि इसमें साइज ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मेरे कितना क्यूट लग रहा है, इतना डिफरेंट और इतना क्यूट लग रहा है, यहाँ पे बैठ जाए आप और जूते ट्राई करें, आई मीन अमेजिंग है। इनके जूतों की क्वालिटी का मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे हैं, बट ये कि क्योंकि मैंने कभी यहाँ से जूते लिए नहीं हैं इस तरह के, तो नाइकी वगैरह तो सही रहते हैं क्वालिटी वाइज और रनिंग वाइज अच्छे रहते हैं, क्योंकि मैंने वही यूज़ किए हैं, सो यहाँ से तो कोई ख़ास मुझे कुछ समझ में आया ही नहीं और कोई पसंद ही नहीं आया, समझ तो खैर दूर की बात है। अब मैं इतनी ज़्यादा चूज़ी हो गई हूँ टाइम के साथ, तो जो कि मतलब ज़्यादा सही भी रहता है, प्रोकेस्टिनेट करते हैं कि यार कौन सी चीज़ आप पे अच्छी लग रही है तो ही आप लोग फजूल में जो ना स्प्लर्ज नहीं करो, तो ये एक चीज़ मेरे मतलब लाइक आई फील लाइक के काफ़ी मज़े की ये है और होनी भी चाहिए। खैर कुछ लिया तो है नहीं, बट ये कि अच्छा रहा आज एक्सप्लोर कर किया, बाहर निकली और काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा मूड हो गया मेरा, ऑल दो मैंने कुछ खाया नहीं है, लेकिन ये कि मुझे भूख ही नहीं लग रही क्योंकि मैंने जस्ट घर से निकलने से पहले मैंने स्नैकिंग वगैरह कर ली थी और चिप्स वगैरह खा लिए, तो अब मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, और तो ये सीन है, बाकी नॉलेज सी कहाँ जाते हैं ये, येस सॉरी नेक्स्ट मुझे नज़र आ रहा है, देखती हूँ अगर इस पर
जाके देखता है। एक ये जूता पहन के देखा है अभी, अगेन इसका भी वही है, बहुत खूबसूरत है दिखने में, लुक वाइज नो डाउट बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। हील्स भी इसकी परफेक्ट है, थोड़ी सी यू नो लाइक चौड़ी है, इट्स बेटर, ठीक है, और उस लिहाज से। और ये जिप है परफेक्ट, आई वांटेड दैट। और इसका जो वो है मटेरियल है वो स्वीड है, ठीक है, विच इज़ ऑल्सो अमेजिंग, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा जो नहीं होती लेदर के जो चमकी चमकी से होते हैं वो नहीं है, एंड वेरी सटल, ठीक है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि मेरा पाँव यहाँ से दब रहा है बहुत ही ज़्यादा पूरे तरीके से, और कम्फर्टेबल लेवल जो है ना वो होना चाहिए जूतों में आई बिलीव, ठीक है। और भले जितना भी महंगा हो, और ये अच्छा खासा महंगा है प्राइस वाइज, बट अगेन इंसान का कम्फर्ट जो है ना वो होना चाहिए, बट ये कि आई एम नॉट गेटिंग इट अनफॉर्चुनेटली। फिर यहाँ पर भी अगेन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई भी चीज़ पसंद नहीं आई है, सारी अजीब अजीब सी चीज़ें हैं, कुछ अच्छा ही नहीं लगा। मतलब अच्छा लगा होता तो ऑब्वियसली आई वुड हैव गॉट समथिंग फॉर मी, बट मैंगो वगैरह पे भी कुछ भी अच्छा नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आया। और खैर मतलब अब जो है ना, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, एंड जब मैच्योरिटी आती है तो आप सोचते हैं कि अच्छा अगर मैं ये चीज़ ले रही हूँ तो वो कितनी ज़्यादा जो है ना एक्सेसिबल है फॉर अदर थिंग्स एज वेल, ठीक है, और कितनी जगह पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, फॉर हाउ मेनी टाइम्स, विच इज़ रियली रियली अ गुड थिंग आई मस्ट से। बाकी तो सारी फजूल की बातें, एटलीस्ट अब मैं ऐसी नहीं हूँ, पहले बहुत करती थी, बहुत ही ज़्यादा करती थी, और जब भी मुझे कुछ चीज़ें पसंद आती हैं आई जस्ट आई वुड गो एंड वुड बाय थिंग्स, और वो भी अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें मैं ले लेती थी, शॉपिंग करती थी, बट ठीक है, और वो मेरे काम भी नहीं आती थी। तो अब मैंने इस चीज़ को बहुत कम किया है, बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली स्प्लर्ज करते हैं आप, अपना पैसा ज़ाया करते हैं, और फिर वो चीज़ें यूज़ भी ना हो तो और भी ज़्यादा दुख होता है। खैर आई थिंक अभी मैं घर के लिए निकलूँगी तो देती हूँ आपको अपडेट। यहाँ सुबह 5 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ पे सब चीज़ें क्लोज हो जाती हैं इस टाइम पे, और लेकिन अभी इतनी ज़्यादा कि सब चीज़ें खुली हुई हैं और इतनी ज़्यादा चहल पहल है कि मतलब बहुत ही डिफरेंट लग रहा है यहाँ पर, मैंने फर्स्ट टाइम देखी है इतनी ज़्यादा चहल पहल। अभी तो खैर ये थोड़ा सा और भी होगा जब ये वो होगा नियर टू क्रिसमस, तो फिर और भी ज़्यादा यहाँ पर क्राउड हो। टर्किश बकलावा दिखे तो मैं ले लूँ, और लास्ट टाइम यहीं पे का था लेकिन अभी तक मुझे नज़र नहीं आया, बहुत दिल चाह रहा है। बस के आने में टाइम है, और तो मैंने कहा कि चलो मैं ज़रा प्राइमार्क में भी एक छोटा सा राउंड लगा लेती हूँ, ऑल तो मुझे यहाँ से कुछ समझ में आता नहीं है कभी इतना कोई ख़ास, बट ये कि स्टिल देखने में तो कुछ है नहीं, और वैसे भी टाइम उतना जो है ना किल करना है 5-6 मिनट तक, बहुत बड़ा है, ठीक है। ये वाला जो कैब सर्कस पे है सिटी सेंटर में, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। अच्छा ऐसा ना, मैंने मंगवाया है, ठीक है, ऑनलाइन कुछ शॉपिंग के लिए छोटी सी, तो उसमें मतलब इसी तरह का 2 पीस है, तो अभी तक मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई है तो मैं वो दिखाऊंगी आपको। हाँ सर, तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, और ऊपर से जो है ना टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है। फिर यहाँ पर मैं आई तो थी देखने के लिए, मैंने कहा कि कुछ अच्छा लगेगा तो मैं शायद ले लूँ, और लेकिन ये कि टाइम इतना कम है, अब मेरा ध्यान जो है ना वो पीछे ही लगा हुआ है कि बस ना आ जाए कहीं, और अगर ये चली गई तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत डिले हो जाएगा, तो इसलिए जो है ना अब मैं बस जाऊँगी और स्टॉप पर जो है ना बैठ जाऊँगी 2-3 मिनट, क्योंकि 2-3 मिनट का ही टाइम है, तो किसी भी टाइम पर आ जाएगी, तो फिर ये कि I just don't want to miss it. So yeah, now look what I've got for myself. Flowers, बहुत खूबसूरत. Oh my God, I'm so excited. आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा और मुझे बहुत 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 ही ज़्यादा जो है वो मज़ा आया. I enjoyed a lot. Although बहुत थोड़ा सा time था मेरे पास, और क्योंकि निकलते निकलते 3:15 हो गए थे घर से, और फिर बस में गई थी, तो वहाँ पर पहुँचते जो है वो 20-25 मिनट लग जाते हैं, तो खैर बहुत टाइम बहुत कम था, बट उस टाइम के अंदर जो है ना मैंने काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना घूमूंगी, बट ये कि आई इन्जॉयड अ लॉट, और बहुत अच्छा, मतलब कभी कभी इंसान का दिल चाहता है कि वो अपने साथ टाइम स्पेंड करे, तो आई वॉज सो लो फ्रॉम पास्ट लाइक सो मेनी डेज, एंड रीज़न बींग दैट इज़ आई एम मिसिंग माई फैमिली अ लॉट, ठीक है, मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है, तो ऑब्वियसली फ़ोन पे बात तो होती है, बट आई थिंक जो फिज़िकल
आपका जो एक फिजिकल उनके साथ कनेक्शन होता है ना, वो शायद फोन पे उस तरह से वो बात नहीं होती ऑब्वियसली. तो खैर एनीवेज आई एम नॉट गोइंग टू क्राई दिस टाइम बट या. आज का व्लॉग पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें. एंड इफ यू आर न्यू हियर प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो अल्लाह हाफिज़.